नमस्कार दोस्तों, तो मैं आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो मैं आज आपको कंप्यूटर के दूसरे डेमो के बारे में बताऊंगा, जो कि एमएस वर्ड के ऊपर है, 2013, एमएस वर्ड 2013। और सबसे पहले इसके स्टेप्स हैं जो कि आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, या फिर मैं आपको और दूसरे तरीके बताता हूँ। तो और दूसरे तरीके कैसे हैं कि हम सबसे पहले विंडो बटन, जो विंडो बटन है उसे दबा सकते हैं अपने कीबोर्ड पर। उसे दबाने के बाद एक स्क्रीन खुलेगा जो कि ये विंडो 10 में नया है। और उसके बाद सबसे पहले आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर जो भी आपको सर्च करना है। तो आप इसमें वर्ड लिख दीजिए, केवल वर्ड, WORD, और ये सामने आ जाएगा। उसके बाद एंटर कर दीजिए और ये आपका वर्ड खुल गया और आपका इस तरह का स्क्रीन आता है जो ऑफिस 2010 है, जो वर्ड 2010 है उसमें। और उसके बाद मैं आपको आगे का दिखाता हूँ। उसके बाद द ऑफिस इंटरफेरेंस, मतलब इस टाइप की फाइल्स खुलती हैं। फाइल टाइप जो है इसमें अलग अलग ऑप्शंस देते हैं आपको, कि जैसे आपको मैं यही दिखाता हूँ। इसमें ये देखिए, आपको ये इनबिल्ट मिलता है बहुत सारी चीजें यहाँ पर, जैसे कि आप बने बनाई चीजें ले सकते हैं, एप्लीकेशन लिखने के लिए, कुछ स्टोर लिखने के लिए, कुछ भी लिखने के लिए आप इनबिल्ट ले सकते हैं। तो ये इसका एक नया फीचर है, ऐसा पहले नहीं मिलता था। और दूसरी चीज ये है इसमें, क्विक एक्सेस टूल बार, मिनी टूल बार, द रिबन। तो हम इनको क्या बोलते हैं, तो क्विक एक्सेस टूल बार क्या है? तो क्विक एक्सेस टूल बार जो है वो ये है कि जिसमें सबसे पहले एक्शन लिया जाए, ये क्विक एक्सेस टूल बार है। और दूसरा है मिनी टूल बार, मिनी टूल बार जो कि दूसरा टूल बार है, रिबन और कंटेक्स्ट सेंसिटिव टैब्स। तो मैं आपको इसी में दिखाता हूँ ये सब चीजें। तो देखिए, सबसे पहले हम ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोल देते हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने के बाद जो ये है इसे बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ये हमारे रिबन है और ये रिबन्स के अंदर बहुत सारे टैब्स, ये सब चीजें इसके अंदर हैं। दूसरा, आपको हम दूसरी चीज दिखाते हैं जिसमें ग्रुप्स, रूलर्स, लाइव रिव्यूज, इजी एसेसिबल, जूम, ये सब चीजें हैं इसमें। नहीं, रूलर्स, रूलर्स मतलब स्केल दिखाता है, ग्रुप्स हैं बहुत सारे इसमें, लाइव प्रीव्यू, और ये बहुत आसानी से जूम हो सकता है। ये इसके नए फीचर्स हैं कुछ। और आगे हम आपको दिखाते हैं वर्क विद फाइल्स, इसमें फाइल्स का कैसे वर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको कोई नया डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे आपने गलती कर दी है, आपने कोई ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लिया और आपको लिखा हुआ डॉक्यूमेंट चाहिए, तो उसके लिए आप वापस से या तो फाइल में क्लिक करके या फिर कंट्रोल प्लस एन से नया ले सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ आप कैसे ले सकते हैं। ये है फाइल टैब, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये न्यू का ऑप्शन आ जाएगा, और न्यू पर क्लिक करके आप इनमें से कौन सा भी सेलेक्ट करके नया ले सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट कंट्रोल प्लस एन दबाकर भी ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद सेविंग अ फाइल, तो आप फाइल को सेव करना आप सब जानते ही होंगे, जैसे कि हम फाइल को कैसे सेव कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस एस से हम फाइल को आसानी से सेव कर सकते हैं, या फाइल टैब में जाकर हम उसे सेव कर सकते हैं। और दूसरा, सेव फाइल्स इन क्लाउड्स, क्लाउड्स आप जानते हैं सब, क्लाउड्स क्या होता है, क्लाउड्स ये होता है कि फाइल्स को हम सेव करते हैं इंटरनेट पर, तो वो हम आपको अगले डेमो में बताएंगे। सिलेक्टिंग टेक्स्ट, तो आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं, ज्यादातर आप क्या करते होंगे अपने माउस से लेकर उसे क्लिक करके ड्रैग करते हुए ले जाते होंगे, लेकिन यहाँ पर कई और भी तरीके होते हैं जिनसे हम इन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले डबल क्लिक करें हम अगर किसी वर्ड पर, तो वो वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। दूसरा, अगर हमें कुछ वर्ड सेलेक्ट करने, तो ड्रैग ओवर वर्ड्स, ड्रैग कर दीजिए उनके वर्ड्स के ऊपर, तो वो भी सेलेक्ट हो जाएंगे। तीसरी चीज ये है कि एक पैराग्राफ, अगर एक पैराग्राफ सेलेक्ट करना है तो उसके लिए आप ट्रिपल क्लिक कर सकते हैं उस पैराग्राफ पर कहीं पर भी,
तो पूरा का पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा आपके लिए। दूसरा, आप ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट क्लिक ऑन स्टार्ट एंड टेक्स्ट होल्ड डाउन शिफ्ट। तो ऐसा क्या है कि ये अलग तरीका है जो आपको शायद ना पता हो, वो मैं आपको यहाँ भी करके दिखाता हूँ, पावर पॉइंट में भी हो जाएगा। जैसे शिफ्ट दबा लीजिए और एरो दबा लीजिए, तो उसके बाद आते जाइए आपका सेलेक्ट होता जाएगा, जितने वर्ड्स आपको सेलेक्ट करने हैं। ये सबसे अच्छा तरीका है सेलेक्ट करने का, इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये भी है कि जैसे अगर आपको सारा एक साथ सेलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल प्लस ए दबाकर सारा का सारा सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग डॉक्यूमेंट्स। तो आप फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग जो भी है आप करना चाहते हैं, कलर वगैरह डालना चाहते हैं, वो सब आप उसमें होम टैब में जाकर कर सकते हैं। जैसे कि आप साइज बड़ा करना चाहते हैं और साइज को चेंज करना चाहते हैं, फॉन्ट इटैलिक जो भी करना चाहते हैं, या फिर अंडरलाइन करना चाहते हैं, सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट। आप जानते होंगे सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट क्या होता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि हम x^2 लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे इस 2 को पावर में? तो इसलिए होता है हमारा सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट में ये है, यहाँ पर इस पर आप क्लिक कर दीजिए तो ये ऊपर आ गया, देखा आपने। इसी तरह से मान लीजिए हमको सबस्क्रिप्ट स्क्रिप्ट करना हो, उसमें ये नीचे आ जाता है। तो इस तरह से इसे करते हैं। आप टेक्स्ट कलर वगैरह भी कर सकते हैं। और दूसरी सबसे मेन बात जो है, अंडर होम टैब ऑन द क्लिपबोर्ड, जैसे कि आप ये सब कर सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट। ये क्लिपबोर्ड का मतलब ये होता है कि जब भी हम कट कर देते हैं तो क्लिपबोर्ड के ऊपर पहुंच जाते हैं, वहां ही रहते हैं जब तक आप इसे कहीं पेस्ट नहीं करते, अगर कट कर रखा है तो। इस तरह से करते हैं। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, फॉर्मेटिंग करते हैं हम पेंटर से, हम किसी एक चीज की फॉर्मेटिंग कॉपी करके दूसरे में पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि कई बार हमें सेम कलर नहीं मिलता, तो ये बहुत काम की चीज है इस मामले में। अंडू मिस्टेक, सबका आप कभी गलती से मिस्टेक कर देते हैं कोई, या फिर आपने कोई चीज अच्छी डिलीट कर दी जो आपको चाहिए, तो उसके लिए आप मिस्टेक्स को अंडू कर सकते हैं। उसके लिए आप एक की यूज करते हैं कंट्रोल प्लस जेड, उससे आप आसानी से कर सकते हैं ये सारे काम। फाइल फॉर्मेट माइक्रोसॉफ्ट अब क्या होता है, हम जो एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन में जैसे कि किस फॉर्मेट रिप्रेजेंट होगा, तो ये DOCX, ये नया है .DOCX, पहले ये DOC था केवल, ये जो है ऑफिस 2013 से पहले, तो ये नया आया है। ये इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं CCC में, इसलिए आप इन पे गौर करें। टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स क्या होती हैं, टेम्पलेट्स होती हैं जो कुछ चीजें इनबिल्ट होती हैं पहले से ही, बिल्ट जो कुछ कॉपीज होती हैं उन्हें टेम्पलेट्स बोलते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले दिखाया था न्यू में ऐसा होता है। ये देखिए आपको कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं इस चीज के। टेम्पलेट क्रिएट भी कर सकते हैं आप, क्रिएट द फाइल टैब, क्लिक द फाइल टैब एंड देन क्लिक न्यू। आप न्यू पर क्लिक कीजिए, उसके बाद ब्लैंक को सिलेक्ट कीजिए, उसमें अपनी क्रिएशंस वगैरह दिखाइए जो भी आप कर सकते हैं, और उसके बाद वो आपका तैयार हो जाएगा। शॉर्टकट्स की हैं कुछ यहाँ पर, आप इन्हें लिख सकते हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस तरह से आप कर सकते हैं। थैंक यू, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो तो अपने दोस्तों से शेयर करें, लाइक करें और प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।